आदाब अर्ज है। MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को, तमाम तैयारियां मुकम्मल, काउंटिंग के लिए लगाए जा रहे हैं 56 टेबल। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट। गुज़िश्ता रोज ट्रेन के जरिए आए 8 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव। तैयारे से आने वाला एक मुसाफिर भी पाया गया कोरोना से मुतासिर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया ने की मुहिम तेज। ढीठ शहरियान से गुज़िश्ता रोज वसूल किया गया 121,750 रुपये जुर्माना। और OBC रिजर्वेशन कोटे के तहफ्फुज़ के लिए OBC के तबकात मैदान में जिले के सभी तालुकों में निकाले जाएंगे OBC आरक्षण बचाओ मोर्चे। खबरें तफसील से। औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए डाले गए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये इत्तला इलेक्शन इंतजामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के इंतखाब से MLC इलेक्शन के लिए गुज़िश्ता रोज़ रायदही का अमल मुकम्मल किया गया। इलेक्ट्रोल रोल के मुताबिक 86,909 खातून वोटर्स थीं, जिनमें से 45,178 खवातीन ने अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 286,249 है। उनमें से 195,468 मर्द वोटर्स ने पोलिंग की। इसी तरह दीगर जिन्स के 8 वोटर्स हैं, उनमें से 3 राय दहिंदगान ने वोट डाले। इस तरह से 373,166 वोटर्स में से 240,649 वोट डाले गए। इस तरह औरंगाबाद डिवीज़न में वोटिंग परसेंटेज 64.49% रहा। गुज़िश्ता रोज़ की गई पोलिंग की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसके लिए इलेक्शन इंतजामिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। वोटों की गिनती के लिए कुल 56 टेबल लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 650 मुलाजमीन मुकर्रर किए गए हैं, जिन्हें वोटों की गिनती किस तरह से की जानी है उसकी तरबियत दी जा चुकी है। पहले मरहले में कुल वोटों में से गैर मुस्तनद वोट अलग कर लिए जाएंगे और जो वैलिड वोट रहेंगे उन्हें 2 से तकसीम करके उसमें 1 शामिल किया जाएगा और काउंटिंग के लिए लगाए जा रहे टेबल्स का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। काउंटिंग सेंटर पर किसी किस्म की कोई गड़बड़ न होने पाए, इस गर्ज से वहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया है और काउंटिंग सेंटर्स पर इलेक्शन मुलाजमीन के अलावा सिर्फ ऑथराइज्ड काउंटिंग एजेंट्स को ही दाखिला दिया जाएगा। म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रेलवे स्टेशन पर जिन मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से 8 मुसाफिरों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। वाज़ह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने बजरिए ट्रेन और तैयारे से औरंगाबाद आने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट करने का फ़ैसला किया है। आज बजरिए ट्रेन आने वाले 196 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर और बजरिए तैयारा शहर पहुंचने वाले 27 मुसाफिरों का चिकलथाना एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया गया। 1 दिसंबर को जिन 197 मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के लिए थ्रोट स्वैब नमूने लिए गए थे, उनमें से 8 मुसाफिरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 1 दिसंबर को ही एयरपोर्ट पर जिन 51 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया था, उनमें से 1 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाया गया है। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज 121,750 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने मास्क का इस्तेमाल न करने वालों और रास्तों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मास्क के बगैर घूमने वाले 198 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई
और उनसे 500 रुपये फीकस के हिसाब से 99,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह रास्तों पर थूकने वाले 16 शहरियान से 1600 रुपये वसूल किए गए। 11 शहरियान सड़क पर कचरा उंडेलते पाए गए, उन पर फीकस 150 रुपये के हिसाब से 1650 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सिटी चौक और जालना रोड पर मौजूद दो दुकानों पर ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग्स पाए जाने पर उनसे फीकस 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ 121,750 रुपये जुर्माना साबिक फौजियों ने वसूल किया। बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर देही मकामात पर खानगी अस्पताल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये इत्तला जिला परिषद के शोबे सेहत से मौसूल हुई है। मुतल्लिका इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक देही मकामात पर चलाए जाने वाले खानगी अस्पतालों को भी बॉम्बे नर्सिंग एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, मगर कई खानगी अस्पताल ऐसे हैं जिनका इस कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। लिहाजा ऐसे खानगी दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह नॉन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की डिग्री मनसूख करने की भी सिफारिश की जाएगी। ये इत्तला जिला परिषद के शोबे सेहत से मौसूल हुई है। ओबीसी रिजर्वेशन के तहफ्फुज के लिए समता परिषद की जानिब से एक अहम मीटिंग आज तालुका पैठन में मुनाकिद की गई। अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के जिला सदर की सदारत में मुनाकिद इस मीटिंग में तंजीम के रियासती स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर संतोष वीरकर, बीजेपी युवा मोर्चा के योगेश सोलाटे, अनीता दैवतकर, रंजना गायके, सुभद्रा जाधव, सुमन राजड़े और दीगर शरीक हुए। इस मीटिंग में शामिल अफराद को मनोज घोड़के ने बताया कि ओबीसी रिजर्वेशन के तहफ्फुज के लिए पैठन, वैजापुर, गंगापुर, कन्नड़, सिल्लोड़ और फुलमरी इन तालुका जात में ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चे निकाले जाएंगे। उसके बाद औरंगाबाद ज़िले में भी एक जुलूस निकाला जाएगा। ओबीसी रिजर्वेशन के तहफ्फुज के लिए ओबीसी में शामिल सभी तबकात के लोगों से इस तहरीक में शामिल होने की अपील की गई है। उनका कहना है कि वो लोग मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ हरगिज़ नहीं हैं, मगर ओबीसी रिजर्वेशन को नुकसान पहुंचाए बगैर मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इस मतालबे पर ओबीसी तहरीक चलाई जा रही है। ममनुआ तंबाकू और गुटखे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई मुहिम के सबब इसका कारोबार करने वाले छोटे मोटे ताजिर अंडरग्राउंड हो गए हैं और शहर में गुटकों का शॉर्टेज हो गया है। नाजरीन, इन दिनों शहर में गुटके की कालाबाजारी जोरों पर है और जिन दुकानों पर उसका स्टॉक मौजूद है वो दुकानदार महंगे दामों पर गुटका फरोख्त कर रहे हैं। इसकी अहम वजह यह है कि ममनुआ तंबाकू और गुटका फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस महकमे ने खसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से गुटके के ताजिरों में बेचैनी फैली हुई है और वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट तहकीकात में मसरूफ़ है कि आखिर ये ममनुआ गुटका औरंगाबाद तक किसके ज़रिए पहुंचता है। इब्तदाई तहकीक में पता चला है कि इंदौर से शहर में गुटका सप्लाई हो रहा है, लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट का एक दस्ता इंदौर के सप्लायर की तलाश में है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद शहर में गुटके का शॉर्टेज हो गया है और जिन दुकानदारों के पास पुराना स्टॉक मौजूद है वो महंगे दामों पर उसे फरोख्त कर रहे हैं। बीड़ बाईपास रोड पर देवलाई चौक से महानुभव आश्रम चौक तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, मगर गुज़िश्ता 5 सालों से ये कैमरे बंद हैं, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, बीड़ बाईपास रोड पर बढ़ रहे सड़क हादसात पर काबू पाने और इस रोड से गुजर रही व्हीकल्स की रफ्तार कंट्रोल करने की गर्ज से देवलाई चौक से महानुभव आश्रम चौक तक 18 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिन्हें सातारा पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया था, मगर गुज़िश्ता 5 बरसों से ये खुफिया कैमरे बंद पड़े हैं और पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम से चंद कैमरे ही मुंसलिक हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इन कैमरों की फौरी मरम्मत करवा कर उन्हें दोबारा शुरू किया जाए, ये मतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। पहली बीवी से तलाक लिए बगैर ही दूसरा ब्याह रचाने वाले एक रूरल पुलिस डिपार्टमेंट के हवलदार के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस हवलदार दीपक शेनफड़, उसके वालिद भाले शेनफड़, भाई अनिल भाले और
برادر نسبتی نتین جگدھنے سمیت تین خواتین کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شکایت کنندہ خاتون اور ملزم دونوں ہی رورل پولیس ڈپارٹمنٹ میں حوالدار کی حیثیت سے ملازم ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان معمولی جھگڑے کے بعد ملزم ہمیشہ ہی اسے دوسری شادی کی دھمکی دیتا رہا اور آخرکار دیپک نے اسے طلاق دیے بغیر ہی ایک 19 سالہ لڑکی سے دوسرا بیاہ رچا لیا، جس کی اطلاع پاتے ہی دیپک کی پہلی بیوی نے پنڈلک نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ اسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر گھنشیام سونونے کے مطابق پہلی بیوی کی شکایت پر کیس درج کر لیا گیا ہے، مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ گروارے کمپنی کے ایک ورکر کی لاش مکندواڑی ریلوے لائن پر پڑی پائی گئی۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس شخص نے چلتی ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کی ہوگی۔ مہلوک کا نام دیوی داس وٹھل گردے بتایا جا رہا ہے، جو سڑکو ایم آئی ڈی سی سیکٹر میں موجود گروارے پولیسٹر نامی کمپنی کا ملازم ہے۔ 30 نومبر کو نائٹ شفٹ کر کے وہ صبح گھر گیا اور پھر 11 بجے کے قریب گھر سے باہر نکلا، مگر منگل کی صبح 8 بجے کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی مکندواڑی ریلوے لائن پر پڑی پائی گئی۔ اس حادثے کی اطلاع کسی نے اس کے ہمزلف بھجنگ راؤ ہری بھاؤ سورا سے اور داماد سومیش وسنت راؤ کولی کو موبائل پر دی۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس اسٹیشن کاملہ وہاں پہنچا اور ڈیڈ باڈی اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی دواخانہ بھجوائی گئی۔ پنچشیل خواتین بچت گروپ کے ذمہ داران کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سلوڑ کی ایک خاتون کی لاوارث لاش کو دفنانے کے لیے سماجی خدمتگاروں کو 2,505 روپیے ادا کرنے پڑے۔ ناظرین، لاوارث لاشوں کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے پنچشیلہ خواتین بچت گروپ کی جانب سے داخل کردہ 3,600 روپیے کے ٹینڈر کو میونسپل انتظامیہ نے منظوری دے دی ہے، اور میونسپل انتظامیہ نے یہ سماجی خدمت انجام دینے کے لیے پنچشیل خواتین بچت گروپ سے معاہدہ کیا ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق سلوڑ شہر پولیس اسٹیشن کی حدود میں سمن ماروتی بنارسے نامی ایک بیمار خاتون سرکاری دواخانے کے باہر پائی گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے کچھ سماجی خدمتگاروں نے اسے علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانے میں شریک کروایا، مگر دوران علاج 27 نومبر کو اس خاتون کی موت ہو گئی، جس کی اطلاع سلوڑ پولیس کو دی گئی اور سلوڑ پولیس نے اس مہلوک خاتون کے رشتہ داروں کو تلاش کیا، مگر اس کے بچوں نے اس خاتون سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی آخری رسومات ادا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر پولیس ہیڈ کانسٹیبل ورشے نے مانس کی سموہ نامی این جی او کے سمیت پنڈت کو فون پر مہلوک خاتون سے متعلق تفصیلات بتائیں اور 3 دن بعد اس لاوارث خاتون کی لاش آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مانس کی سموہ کے سمیت پنڈت کے سپرد کی گئی۔ سمیت کے ساتھیوں نے اس خاتون کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں اور بیگم پورہ شمشان گھاٹ لے گئے، مگر پنچشیل بچت گروپ کے ذمہ داران نے مانس کی سموہ نامی این جی اوز کے ذمہ داران کو آخری رسومات ادا کرنے سے روک دیا۔ پنچشیل خواتین بچت گروپ کے ذمہ داران نے ان سے کہا کہ اس خاتون کا تعلق سلوڑ سے ہے، اس لیے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے 3,000 روپیے خرچ آئے گا، لہذا سمیت نے بذات خود آخری رسومات ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور بیگم پورہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سارا واقعہ سنایا، جس پر بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے افسران نے سمیت پانڈے کو آخری رسومات ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے باوجود پنچشیل خواتین بچت گروپ کے ذمہ داران نے انہیں آخری رسومات کے لیے وہاں گڑھا کرنے کی اجازت نہیں دی، جس پر بیگم پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر سانب بذات خود شمشان گھاٹ پہنچے اور پولیس کی موجودگی میں 30 نومبر کی دوپہر اس خاتون کی آخری رسومات ادا کی گئیں، مگر آخری رسومات ادا کرنے والوں کو اس کے لیے 2,505 روپیے ادا کرنے پڑے۔ متعلقہ بچت گروپ نے مانوس کی سموہ کے ذمہ داران سے گڑھا کھودنے کے لیے 1,500 روپیے اور ایمبولنس کا کرایہ 1,000 روپیے وصول کیا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد گریجویٹ حلقہ انتخاب سے ایم ایل سی الیکشن کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو، تمام تیاریاں مکمل، کاؤنٹنگ کے لیے لگائے جا رہے ہیں 56 ٹیبل۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر کیا جا رہا ہے مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ، گزشتہ روز ٹرین کے ذریعے آئے 8 مسافروں کی رپورٹ پازیٹیو، طیارے سے آنے والا ایک مسافر بھی پایا گیا کورونا سے متاثر۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت و انتظامیہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف میونسپل انتظامیہ نے کی مہم تیز، ڈھیٹ شہریان سے گزشتہ روز وصول کیا گیا 1,21,750 روپیے جرمانہ۔ اور
ओबीसी रिजर्वेशन कोटे के तहफ़ के लिए ओबीसी के तबकात मैदान में जिले के सभी तालुकों में निकाले जाएंगे ओबीसी आरक्षण बचाओ मोर्चे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अभी ही खत्म होती है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहिद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।